गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो स्टाइल एंड आज मैं बहुत टाइम बाद लिटरली कम से कम 1 से 2 मंथ बाद लोग कर रही हूँ बहुत टाइम बाद और मैं अभी हूँ ग्वालियर में हूँ ग्वालियर ही रहती हूँ अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्लियर कर देती हूँ कि मैं ग्वालियर में ही रहती हूँ बाकी मैं ग्वालियर किस लिए आई थी किस लिए नहीं आई थी आप लोग मुझे कॉमेंट करना तो मैं आप लोगों को बता दूँगी किस लिए आई थी क्या कर रही हूँ फिलहाल ग्वालियर में तो मैं ग्वालियर में रहती हूँ दिखाती हूँ अपना छोटा सा आशियाना घर छोटा सा तो यहाँ मैं रहती हूँ फिलहाल तो अकेले ही हूँ बहुत टाइम बाद आज संडे एंड आज मैं फ्री हूँ पूरा दिन तो देखते हैं क्या करेंगे मार्केट गई तो मार्केट या फिर जो भी जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स से उन लोगों की सब आप लोग शेयर करूँगी एंड सबसे पहले अभी मैं उठ गई हूँ वैसे मैं उठ जाती हूँ जल्दी 6:30 तो अभी मैं फ़िलहाल उठी हूँ 8:30 या पता नहीं टाइम जो भी हो रहा है अभी तो 10 टाइम में उठी एंड ब्रश वगैरह किया उसके बाद बस सब क्लीनिंग करते हैं एंड दिखाती हूँ सबसे पहले आपको अपना मतलब छोटा सा घर दिखाती हूँ ठीक है तो चल तो गाइस ये है मेरा रूम एक्चुअली ये वाला रूम मेरा है सेपरेट है पूरा ये मेरे शूज पड़े हुए हैं वहाँ की जो कचरा वचरा है आज करूँगी मस्त तरीके से क्लीनिंग पूरी एंड ये है मेरा रूम जो अभी बिस्तर बिस्तर पड़े हुए हैं बेड मैंने ले लिया क्योंकि है ना लेने करने में कहीं भी शिफ्ट करो तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए ये टेबल मतलब ऐसे कचरा वचरा पड़ा है गाइस प्लीज इग्नोर कर देना अभी पूरी क्लीनिंग करूँगी आप लोगों के सामने एंड ये कॉर्ड पड़ी हुई है बिकॉज जरूरत पड़ जाती है चार्जिंग वगैरह की एंड ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना है सब कुछ कपड़े वगैरह एंड ये सब सामान वामान ये मल्टीविटामिन है गाइस कुछ समाना फालतू का तो ये सब फैला हुआ है कल एक्चुअली पार्टी थी शाम को मेरी थोड़ी तो वहाँ थोड़े गए एंड ये मेरे लड्डू गोपाल ठीक है एंड ये मेरे सब कपड़े वगैरह ये कल मेरा दी हुई है उन्होंने जिसमें ना आप अपना सामान वगैरह से अरेंज कर लो तो ये सब कुछ सामान सेट करना मुझे मतलब सारे कपड़े वगैरह सब कुछ सेट करना है एंड ये कपड़े में जो वॉश करने के वॉश करूँगी बाकी इस साइड में इस डोर के पीछे वाले डोर के लाइट बाथ बने हुए हैं तो वो एंड ये बड़ा सा विंडो जिसमें से मतलब आराम से जाली वाली लगी हुई तो आराम से विंडो ओपन करके तुम आप लोग सो सकते हो एंड बस ये है मेरा रूम काफ़ी अच्छा है काफ़ी बड़ा है काफ़ी लोग सो सकते हैं आराम से एंड ये जो रोप दिख रही है आपको एक्चुअली बहुत धूप रहती है तो नहीं जा सकते इस वजह से मैंने यहीं पर क्योंकि फिर है ना दिन में ना ऊपर जाओ बहुत धूप रहती है बहुत ज़्यादा एंड फेस को ज़रा इग्नोर कर देना ऐसा आईब्रोज वगैरह भी करानी है मेरे को तो चलिए एंड अभी दिखाती हूँ जैसे मेरे रूम से बाहर निकलते हैं तो किचन दिखाती हूँ मैं आपको जस्ट सामने मेरी किचन है चलिए दिखाती हूँ ये मेरी किचन का डोर काफ़ी बड़ी किचन है ये भी मतलब बहुत मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छी है तो ये है मेरा छोटू वाला सिलेंडर पानी की मिलता है ये सारे वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं गैस एंड ये सब सामान ऐसे ही दिखा रही हूँ गाइस रैंडमली बस जो पड़ा है तो मैं अभी करूँगी ये विंडो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स इतने सारे लगे इतने सारे रेड रोजेस लगे हैं जो किचन एरिया है वहाँ से भी बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगे होंगे और काफ़ी सारे घर बने हुए हैं तो चलिए पहले तो करते हैं क्लीनिंग फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे क्योंकि बहुत मैसिव रखा सब कुछ बहुत तो चलिए क्लीन करते हैं पहले हेलो गाइस तो मैंने अभी झाड़ू लगा दिए बीच में मतलब झाड़ू लग गई एंड अभी मैं बस लगाऊंगी क्लीनिंग तो हो गई सारी बस पोछा लगाना देन बस नहाऊंगी और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह देखती हूँ क्या बनाऊँ सब्जी तो कुछ है नहीं वैसे भी सब्जी लेके आऊँ तो अकेले ही क्या देखा समझ नहीं आता तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी और चलिए पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से बस कपड़े वॉश करने हैं थोड़े से करने हैं क्योंकि मैंने कभी बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे और हे गाइस तो मैं नहा ली एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी पहले बनाने के रख दिया था तो मैंने मतलब पास्ता बनाए थे तो पास्ता मैं खा रही हूँ कॉल आ गया तो कॉल अटेंड मतलब कॉल दे रही थी तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया अब देख लूँगी सब्जी क्या बनानी सब्जी तो बननी है तो क्या बनाना तो
रखी है, क्लीनिंग पूरी बिल्कुल डन है, ऑलमोस्ट सब कुछ, बस कपड़े रखे हैं बाल्टी में, कपड़े सुखाने यहीं पे बस बांध के और डाल दूँगी कपड़े, पूजा वूजा की, पूजा वूजा की है बस, और लेट हूँगी थोड़ी देर। ठीक है गाइस, तो मैं ना अभी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, बार बार ओपन कर लिए मैंने, मतलब गीले ही हैं पूरे, अभी ड्राई नहीं हुए, तो मैं सोच रही हूँ अभी कुछ रील बनाने की। मैं बहुत टाइम से इंस्टा पर भी एक्टिव नहीं हूँ, कहीं पर एक्टिव नहीं हूँ, मतलब व्हाट्सअप पर हूँ, आई मीन इंस्टा पर एक्टिव नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ आज एक कोई सी रील बना लूँ। बाकी मैंने कपड़े ला दिए हैं, तो चलिए कोई सी रील बनाती हूँ, और जिन्होंने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया जल्दी जल्दी इंस्टा पर फॉलो कर लो। हेलो गाइस, तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, एंड ये है बूंदी की चाट। तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था खाने का, तो ये है बूंदी की चाट एंड पराठे, तो मैं बस वही खाऊंगी। अभी इसमें काला नमक डाला चाहिए थी, तो काला नमक ऐड करती हूँ, फटाफट से खा लेती हूँ, भूख लग रही बहुत तेज, और बिल्कुल भूल गई कि मुझे ब्लॉगिंग भी, गाइस मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो साथ में बस मैं ये खा लूँगी। और चलिए पहले तो नमक लेके आती हूँ, काला नमक लेके आती हूँ, एंड इसमें ब्लैक सॉल्ट, पराठे बना लिए और बस वही खा लूँगी। चलिए तो खा लेती हूँ। आइस तो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं लगा बिल्कुल भी, अब शाम के 5:30 हो रहे हैं, मैं देखती हूँ धूप बहुत है, एक तो धूप की वजह से कुछ भी नहीं होता, इतनी गर्मी है ना भयंकर वाली, दिन में अगर निकल गए ना तो ऐसा लगता है इसकी नहीं जल जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा एंड बिल्कुल मन नहीं लग रहा बिल्कुल। तो मैं देखती हूँ कि मार्केट आते हैं, मार्केट तो नहीं मैं देखती आती क्या हूँ मेरी फ्रेंड, उनके हाँ तो उनके साथ मार्केट वगैरह जाऊँगी, बाकी ये रहे बच्चे। और मैं कितने टाइम बाद वीडियो वीडियो शूट करूँ, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, कितनी बड़ी अच्छी बात है ना मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। चलिए अगर मार्केट गई ना तो आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। तो गाइज अभी अभी हम लोग आए हैं खाना खा के, एंड खाना वगैरह खा लिया, और वहाँ पर मैंने कोई वॉशरूम वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर है ना वो सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर इस वजह से नहीं किया, एंड अभी बज रहे 9, मैं सोऊंगी थोड़ी देर, मतलब फ़ोन वोन चला के और सोऊंगी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ एंड, क्योंकि फिर बहुत लंबा भी हो जाएगा और कुछ है भी नहीं, तो बहुत जल्दी नई नई वीडियोज़ भी आएंगी, मैंने स्टार्ट कर दिया है तो नई नई वीडियोज़ भी आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, तो और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो सब कुछ।